अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ड्रामा सीरियल नमक हराम की आने वाली एपिसोड में क्या होगा। दोस्तों, अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि मुरीद को अब एमल से बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, क्योंकि वो इसका बना बनाया खेत बिगाड़ सकती है। इसलिए वो अरसल से कहेगा कि आपको अब बहुत जल्द एमल बीबी से शादी कर लेनी चाहिए। इस पर अरसल कहेगा कि भाई, तू है कौन, तेरी औकात किया है कि तू मुझे मशवरा देगा, मुझे पता है मुझे क्या करना है। बहरहाल, मुरीद अब अपने गेम के नेक्स्ट स्टेप पर चलेगा और अमीन कुरैशी को बहुत मेंटली टॉर्चर करेगा, और ये सब वो मलाइका के थ्रू करेगा, क्योंकि मलाइका अब अमीन कुरैशी से निकाह और प्रॉपर्टी का मुतालबा करेगी, जबकि अमीन कुरैशी तो इसे निकाह करना ही नहीं चाहता, वो तो इसे वैसे ही अपने पास रखना चाहता है, क्योंकि अमीन कुरैशी अगर इससे निकाह करता है तो इसकी बनी बनाई इज्जत खाक में मिल जाएगी। मलाइका तो अमीन कुरैशी के घर तक पहुंच जाएगी और इसकी पहली बीवी से भी मुलाकात करेगी, ताकि अमीन कुरैशी को पता चल सके कि वो क्या कुछ कर सकती है। अमीन कुरैशी को टेंशन तो बहुत होगी कि ये इसने क्या किया, क्या मुसीबत पर रखी है। और दूसरी तरफ मुरीद भी अस्मा को मजीद अपने एतमाद में लेने के लिए कहेगा कि आपको जिस इंसान की तलाश है ना, जिसने आपको अगवा किया था और आपको बदनाम करने की कोशिश की थी। समझें कि मुरीद इस तक पहुंच चुका है। अस्मा तो ये सुनकर हैरान भी होती है और खुश भी होती है, क्योंकि अस्मा को तो बस यही ख्वाहिश है कि इसके दामन पर लगा दाग धुल जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अस्मा अपने ऊपर लगे इस दाग को मिटा सकेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी ड्रामा अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।